हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची की सीटों पर पीएसपी, जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की राल टपक रही है। मकबूलियत का दावा करने वाले इलेक्शन लड़कर देख लें, फारूक सत्तार का मुखालफीन को चैलेंज। मैं चैलेंज करता हूं, लंदन का भी कोई कैंडिडेट उतरना चाहता है उतर जाए और पीएसपी का भी उतरे, हम आपस में मुकाबला करते हैं। 2018 तक लोगों को इंतजार क्यों करवाएं, हम आए ना भाई इलेक्शन में, हम तो फेस करने के लिए तैयार है। हमने तो लिख दिया इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर सूबा असेंबली को और स्पीकर नेशनल असेंबली को भी। अरशद वोहरा के पार्टी छोड़ने पर इजहार अफसोस, कहा दबाव की वजह से वफादारी तब्दील हुई। उन्होंने चैलेंज किया है कि आप इलेक्शन लड़ लें और फिर देख लेते हैं कि कौन। अच्छा, मैं तो आपके तवस्सुस से ज़िमनी इलेक्शन लड़ लें। आज आपके तवस्सुस से मैं फारूक भाई को चैलेंज उनको एक्सेप्ट करता हूं, अभी NF-249 से रिजाइन दें और आएं। पीएसपी ने फारूक सत्तार का चैलेंज कबूल कर लिया। वसीम आफताब कहते हैं MQM पाकिस्तान के अरकान मुस्ताफी हो, हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। MQM खुद दूसरे के मैंडेट पर बैठी है, फारूक सत्तार MQM संभाल नहीं पा रहे। सितंबर में गालिबन परवेज मुशर्रफ साहब से मेरी 45 मिनट तक गुफ्तगू हुई थी। बहुत अदब और एहतराम से उन्हें कह दिया था कि ये मुमकिन नहीं होगा कि मैं आपके साथ मिलकर कोई पार्टी बनाऊं। MQM पाकिस्तान का सरबरा मैं हूं, गुज़िश्ता बरस मुशर्रफ साहब ने MQM पर बात की थी, मगर नई पार्टी को लीड करने की बातें अफवाहें या ख्वाहिश हो सकती हैं। फारूक सत्तार की प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सरबरा फारूक सत्तार कहते हैं जलसा शहर कायद की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा, अवाम का जोश खरोश देखने के काबिल है, अवाम का जम गफीर मुखालफीन के लिए सरप्राइज होगा। रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, हुकूमत कराची के बासियों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम। रहजनों के हाथों गलियों चौकों और चौराहों पर अवाम की जमा पूंजी लुटना मामूल बन गई है। पुलिस और हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई, कराची वालों का अल्लाह ही हाफिज। रेंजर्स की कराची में बड़ी कार्रवाई, कार चोर गिरोह को पकड़ लिया, चोरी और छीनी गई 51 गाड़ियां बरामद, गिरोह के सरगुना भी गिरफ्तार। गाड़ियों के मालकान को गाड़ियों के असल कागजात की बाबत ठोस वाहद फराहम करने का कहा गया। कागजात की अदम फराहमी की वजह से जब मजीद पड़ताल की गई तो पता चला ये गाड़ियां मुख्तलिफ केसेस में मतलूब हैं। गाड़ी मालकान कहते हैं अच्छे पैसों के लालच में गाड़ी किराए पर दी लेकिन फिर गायब कर दी गई। हमने उनको दे दिया 70,000 रुपए महीने पे, उन्होंने आगे किसको दिया हमें पता नहीं। 2 महीने किराया मिला उसके बाद गाड़ी गायब हो गई। 6 महीने पहले मैंने दी थी गाड़ी और मुझे फिर इसके 2 महीने तक तो मिले हैं पैसे जो रेंट के थे, मैंने बेसिकली रेंट पे दी थी कार। लाहौर में मेडिकल स्टोर पर डकैती की कोशिश नाकाम, मालिक ने लुटेरों पर गोलियां बरसा दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में मेडिकल स्टोर मैदान जंग बन गया, मुलजमान गोलियां बरसाते रहे और रफू चक्कर हो गए। नवाज शरीफ आप माइनस हो चुके, आपको सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज ने माइनस किया। इमरान खान का खानेवाल में खिताब, वजीर आजम पर भी तनकीद के तीर बरसाए, कहा शाहिद खाकान अब्बासी नाअहल वजीर आजम के कदमों में गिरे हुए हैं, इख्तदार में आकर किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे।
थका नवासी, मैंने तुम्हारे से ज्यादा कमजोर वजीर आजम देखा ही नहीं है। मैं समझता था कि शौकत अजीज कमजोर है, तुमने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का रवैया गैर जमहूरी है। वजीर रेलवे का मशवरा, कहते हैं नवाज शरीफ को जरदारी से मुलाकात ना करने का दिया गया मशवरा गलत था। जो लड्डू जरदारी बांटते हैं उन्हें वही खा सकता है जिनका हाजमा उन जैसा हो। जरदारी से मिलने की कोई बेताबी नहीं, मिलने के लिए कोई बेताबी नहीं है। जरदारी साहब कोई लड्डू थोड़ी बांटते हैं, वो जो लड्डू बांटते हैं वो सबको पता है, हमें वो लड्डू नहीं चाहिए। जरदारी साहब के लड्डू वही लोग खा सकते हैं जिनका हाजमा उन जैसा। महाजराई की सियासत बंद और अदालती फैसलों पर मिनोअन अमल होना चाहिए। इदारों के दरमियान टकराव के बयान पर कायम हूँ, चौधरी निसार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा डॉन लीक्स रिपोर्ट मंजरे आम पर आनी चाहिए। इस मामले में किसी मरहले पर मरियम नवाज का नाम नहीं आया। आईन तोड़ने वाला मुल्क से फरार हो गया, इसे रियासत अदालत में नहीं ला सकी। हमें तय करना होगा पार्लियामेंट सुप्रीम है या कोई और। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सवाल, कहा गैर आईनी बात सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की आईन में कोई गुंजाइश नहीं, हुकूमत का कोई आईन के अंदर किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात वो लोग कर रहे हैं जो वोट के जरिए इख्तदार में नहीं आ सकते। ऐसे लोगों ने अचकने, शेरवानियां और सूट भी सिलवा लिए। स्पीकर अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। जो इख्तदार में वोट के जरिए नहीं आ सकते उनकी ख्वाहिश ऐसी जरूर होती है, ये भी मैं जानता हूं। कई लोगों ने तो अचकने सिलवा ली हैं, नए सूट सिलवा लिए हैं। कहते हैं धरनों से पहले कोई फर्क पड़ा ना ही अब पड़ेगा। सियासत पर लैंड शुगर और ड्रग माफिया काबिज है। पैनामा के बहुत से चोरों का एहतसाब अभी बाकी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा मुल्क को चोरों और लुटेरों से पाक करेंगे। पंजाब में स्मॉग से मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। कौमी शाहरा पर धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। पिंडी भट्टिया से गोजरा तक मोटरवे बंद। शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जां बहक हो गए। मौसमी तब्दीलियों से लोड शेडिंग का जिन भी बोतल से बाहर निकल आया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत गिर्दोनवा में बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। वजारत पानी और बिजली सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ। पिशावर, नौशहरा और मर्दान समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। खैबर एजेंसी की जमीन भी थरथरा गई। पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद डिवीजन के नायब सदर मलिक जमशेद पर कातलाना हमला। पीपी रहनुमा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ननकाना साहब में सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गई। तकरीबात में भारत समेत दुनिया भर से आए हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला ना थम सका। काबिज फोर्सेस का नामनिहाद सर्च ऑपरेशन, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। जाली मुकाबले में एक और बेगुनाह नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीरियों का शदीद एहतजाज। लबनान के वजीर आजम साद अल हरेरी वजारत उज़्मा से मुस्ताफी हो गए। साद ने जान के खतरे के पेशे नजर वजारत उज़्मा से इस्तीफा दिया। ईरान पर हिजबुल्ला को फंडिंग का इल्जाम भी लगाया। शोएब अख्तर की तूफानी गेंदों का सामना ना करने के बावजूद भारतीय कप्तान खौफ में मुब्तला। कहा शोएब अख्तर बहुत खतरनाक बॉलर थे।
دراز قد عرفان کی باؤنسرز کو کھیلنے کی کیسے پریکٹس کی یہ بھی بتایا. I never faced Shoaib Akhtar. I got out. I couldn't face him. But I saw him bowl. वो देख के मुझे लगा यार ये जब पीक पे बोलिंग करते होंगे तो मतलब ऐसा ही लगता होगा कि दूसरे एंड पे ही रहो. अभी भी याद है 2020 मैच था बैंगलोर में तो मी एंड युविका और बैटिंग. तो आई ट्राइड टू पुल हिम. तो युविका कहते हैं बाउंस हो रहा है कट मार. मैंने कट मारा फिर इसके ऊपर से गई कह रहे थे. अनुष्का वॉज देयर इन माई लाइफ. ऐसे हमको ऐसे क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि देखिए ऐसा ही होता है जब गर्लफ्रेंड्स को अलाउ कर दिया जाता है टूर पे. तो मैंने बोला यार अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लगता है तो कोई रिलेशनशिप में नहीं रह सकता ये. विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा को लेडी लक करार दे दिया. कहते हैं जब से वो मिली है परफॉर्मेंस में निखार आ गया है. इनकी ही वजह से जिंदगी में ठहराव भी आया. कमर की इंजरी फिर आड़े आ गई. फास्ट बॉलर उस्मान खान शिनवारी 4 से 6 माह के लिए क्रिकेट से दूर हो गए. PSL 3 में भी शिरकत पर सवालिया निशान लग गया. में पहली फ्लाई इन एक्सपो शुरू. इवेंट में पैराग्लाइडिंग के अलावा एयरक्राफ्ट शो भी पेश किया जाएगा. इवेंट में 3 लाख अफराद की शिरकत का इम्कान. चीन में सजा काइट फेस्टिवल. रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर नजारों को रंगीन बना दिया. सैकड़ों अफराद ने शिरकत की. अदाकारा मीरा का एक और अंदाज. निराली अंग्रेजी बोलने वाली अदाकारा अनोखा स्टाइल अपना गई. टाइटैनिक का शोरा आफाक गाना गाया. वीडियो ने सोशल मीडिया पर डंका बजाया. और सेंटा क्लॉस कौन है, कहां से आता है, कहां जाता है? 3 बच्चे हकीकत जानने के लिए निकल पड़े. हॉलीवुड फिल्म सेविंग क्रिसमस का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया. फिल्म रवा माह 21 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी.